सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र स्थित एशिया की सबसे बड़ी मगध कोल प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाले गांव आरा, चमातू, फुलबसिया, कुंडी समेत कई गांव के विस्थापित ग्रामीण एवं सीसीएल और प्रशासन की एक बैठक लातेहार विधायक बैजनाथ राम के नेतृत्व में फुलबसिया ग्राम स्थित विद्यालय परिसर में हुई। बैठक में सीसीएल द्वारा रैतों को नौकरी मुआवजा मिलने को लेकर हो रही देरी एवं समस्याओं पर चर्चा हुई। बैठक में ग्रामीणों ने सीसीएल प्रबंधन के सुस्त रवैये पर रोष जताते हुए विधायक से अनुरोध किया कि नौकरी मुआवजा जल्द से जल्द मुहैया कराई जाए, जिस पर विधायक ने मौके पर उपस्थित सीसीएल के अधिकारियों से बात करते हुए 2 माह के भीतर नौकरी मुआवजा उपलब्ध कराने को कहा, जिस पर सीसीएल के अधिकारियों ने विधायक को भरोसा जताते हुए कहा कि अगर सभी रैयतों का पेपर पूर्ण रहा तो जल्द ही नौकरी मुआवजा दे दी जाएगी। इसके अलावा बैठक में अंचलाधिकारी बालूमाथ रवि कुमार मौजूद रहे। मौके पर जिला परिषद उपाध्यक्ष राजेंद्र साव, परियोजना पदाधिकारी अशोक कुमार, जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष दिलशेर खान समेत काफ़ी संख्या में रैयत विस्थापित ग्रामीण मौजूद थे। बालूमाथ से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। मैं खास करके विधायक जी को मैं ज्यादा मैं अपने बातों का अवगत करा रहा हूँ। 1962 और 2017 मैं फुलबसिया मरवाड़ी से आता हूँ, मेरा शुभ नाम महेंद्र राव हुआ। यहाँ पे 1871 एकड़ जमीन एक्वायर्ड हुआ है। 1871 एकड़ जमीन में यहाँ पे एक खाता तक नहीं खुला है और हमको उम्मीद भी नहीं लगता है। ऐसे ऐसे बेरोजगार लड़का लोग स्वर्गवासी हो गए होंगे, चलो आपके भी जमीन गई, इसमें बहुत लोग चले गए, हम तो स्वर्गवासी हो तो जमीनें चली गई, खेती का काम बंद हो गया, मुआवजा भी नहीं मिला, नौकरी भी नहीं मिली और उस पर ऊपर अगर आप तानाशाही दिखाएंगे, यहाँ की जनता को चूंटे कैसे फंसाएंगे, तो जनता में आक्रोश आना स्वाभाविक है। सभी दस्तावेज लगाकर और रहा बात एक और मुद्दा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, सेक्शन 87 के बारे में, छोटा नागपुर कास्तकारी अधिनियम की ब्रह्मास्त्र राशि जो है उसके अंतर्गत कई सारे भू रैयतों का आदेश पारित है।